हेलो दोस्तों, 11 जुलाई 2019 और आज हम हैं अल्मोड़ा में और अल्मोड़ा से जा रहे हैं भागेश्वर। अल्मोड़ा से भागेश्वर का सफर जो है तकरीबन 74 किलोमीटर का है और जिसमें 2.5 घंटे का समय लगता है एज पर GPS। इस एरिया में मैं भी पहली दफ़ा आया हूँ। अल्मोड़ा से जब आप जाते हैं भागेश्वर तो उसके बीच में भिनसार एक जगह आती है, वो भी बहुत अच्छा है। सो दीज आर नाइस प्लेसेस, अनटच्ड, अनएक्सप्लोर्ड, एंड आई एम एंजॉइंग माई ड्राइव हियर। हम इस वक्त खड़े हुए हैं अल्मोड़ा से भागेश्वर वाले हाईवे के ऊपर और भागेश्वर खाली 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। मैं दुनिया भर के सारे देशों में घूमा हूँ और मुझे लगता था कि हिंदुस्तान हमारा उतना साफ नहीं है, उतना खूबसूरत नहीं है, लेकिन इस बार जब मैं इंडिया घूम रहा हूँ तो मुझे ये लग रहा है कि हमारा देश भी किसी से कम नहीं है। इस वक्त जिस एरिया में हम खड़े हुए हैं इतना सुंदर है, इतना खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जेन्युइनली ऑनेस्टली अपने दिल से बोल रहा हूँ और खास तौर से ये एरिया, मैं इस एरिया में कभी पहले नहीं आया था। मैं ना कभी अल्मोड़ा आया हूँ, ना मैं कभी भागेश्वर आया हूँ। ये सड़क जो अल्मोड़ा से भागेश्वर जाती है इतनी खूबसूरत सड़क है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, कोई गड्ढा इसके ऊपर नहीं है, नई बनी हुई सड़क जैसी लगती है और जितना एरिया है इतना नीट एंड क्लीन है। दो चीज़ों की अगर हम एहतियात बरतें अपने मुल्क में तो हमारा देश बहुत सुंदर हो सकता है। एक, जो हम लिटर करते हैं, चीज़ें फेंक देते हैं, खास तौर से प्लास्टिक बॉटल्स और जो प्लास्टिक के रैपर्स जो होते हैं ये चिप्स वगैरह के, और दूसरा लोगों के घरों पे लटकते हुए कपड़े, और एक चीज़ और भी है, ये एयरटेल और वोडाफोन के साइन बोर्ड्स बहुत इरिटेट करते हैं। ये चीज़ें आपको बाहर नहीं मिलती हैं। मैं अभी भी बात कर रहा था कि ये जो एरिया हम अभी जिसपे से हम गुजर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पोलैंड में हूँ। पोलैंड भी ऐसे ही है, और हर देश में देश की खूबसूरती जो है वो शहरों में नहीं होती, वो होती है इसके गाँव में, कंट्री साइड में, एंड दिस इज़ वॉट इट इज़। I am really enjoying my drive, especially this drive is beautiful and the weather is excellent. हम जब क्रॉस करके आ रहे थे तो फॉग इतनी थी, ऐसा लग रहा था हम दिसंबर जनवरी के महीने में हैं, और वेदर ऐसे चेंज होता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। हम निकले थे अल्मोड़ा से तो गर्मी थी, धूप निकली हुई थी, बीच में आए थे थोड़ा मौसम सेटल हुआ, और जैसे जैसे हम बागेश्वर की तरफ बढ़ रहे थे फॉग, डेंस फॉग एंड ब्यूटिफुल वेदर, दिस इज़ वॉट यू एन्जॉय वेन यू ट्रेवल बाय रोड। सो कीप वॉचिंग द टर्बन ट्रैवलर।